हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेट फूलने की समस्या को दूर करने के बारे में। इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पेट फूलने की समस्या के घरेलू उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से मिलेगी राहत। नंबर एक, हर्बल टी। अदरक, पीपरमेंट, चमेली से बनी चाय से पाचन शक्ति अच्छी होती है तथा पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है। नंबर दो, सूजन बढ़ाने वाली चीज़ों से बचिए। जिन चीज़ों को खाने से सूजन बढ़ सकती है उनका सेवन करने से बचना चाहिए, जैसे ग्लूटन, शक्कर, कच्ची सब्जियां और रिफाइंड डेयरी प्रोडक्ट इस समस्या को बढ़ाते हैं, इससे बचना चाहिए। नंबर तीन, कच्ची सब्जियों की जगह भाप में पकाकर खाइए। कुछ लोगों को कच्ची सब्जियां खाने का शौक होता है लेकिन उन्हें पकाने में दिक्कत होती है, इसलिए कच्चा खाने से बेहतर है कि उन्हें कुछ देर भाप में पकाकर खाया जाए। नंबर चार, रात के खाने के बाद अदरक की चाय। खाना खाने के बाद रात को अदरक की बिना दूध वाली चाय पीना चाहिए, यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो सूजन को भी कम करते हैं। नंबर पाँच, नमक खाना कम कीजिए। खाने में नमक की मात्रा कम करने से भी पेट फूलने या सूजन की समस्या में राहत मिलती है। नंबर छः, च्युइंगम चबाने से बचिए। च्युइंगम चबाने से शरीर में मुंह के रास्ते से अधिक हवा जाने से पेट फूलने की शिकायत कुछ लोगों को हो सकती है, इसलिए मुख शुद्धि के लिए सौंफ या लौंग ले सकते हैं। गुलाब कतरी भी अच्छा विकल्प है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है पेट फूलने की समस्या से छुटकारा पाने के 6 घरेलू उपाय। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।